देशो न तिष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाव्याम् यद्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम्। अहमेवास्मेवाग्रे, अहम एव मैं ही, हे ब्रह्मा ये जो आप देख रहे हैं इसके पहले मैं ही था, ये जगत की अवस्था में मैं ही रहूंगा और ये जब नहीं होगा तब भी मैं ही रहूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ब्रह्म का स्वरूप पहले श्लोक में ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं? बृहदति ब्रह्मणति इति ब्रह्म। जो बृहद हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो सबका कारण हो वह ब्रह्म, पर उसका कोई कारण न हो। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म यानी यह जगत जो दिखाई दे रहा है, इस जगत के जो केंद्र में जो रहता है वह अक्षर ब्रह्म, जो प्रकाश के रूप में है, तेज के रूप में। जैसे ये लाइट है, ये लाइट अक्षर ब्रह्म, इसका जो ये प्रकाश अक्षर ब्रह्म, तो ये अक्षर ब्रह्म के केंद्र में जो रहता है वह अक्षर ब्रह्म, और परब्रह्म उससे भी पर जो गौलोक धाम में विराजते हैं, जो ज्ञानियों का जो फल है वह अक्षर ब्रह्म, लेकिन वो जो परब्रह्म है वह परब्रह्म तक कोई पहुंच नहीं पाता। यहां तक कि वेद भी नहीं पहुंच पाते, नेति 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 कर वेद रुक जाते हैं। एक बार वेद की पुष्टि रुचा और मर्यादा रुचा दोनों इकट्ठी हुई, दोनों बात करने लगी, अरे ये जो अक्षर ब्रह्म है इससे भी आगे कोई है। पुष्टि रुचा कहती है इसके आगे कोई है, मर्यादा रुचा कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई है। कि चलो देखते हैं, दोनों ने चिड़िया का रूप धारण किया और ऊपर आकाश में उड़ी। उड़ते उड़ते बहुत ऊपर गई, मर्यादा रुचा कहने लगी, नेति न इति न इति नेति, इसका अक्षर ब्रह्म का कोई अंत ही नहीं है। पुष्टि रुचा कहती है नहीं, इससे आगे कोई है। वह मर्यादा रुचा तो नेति नेति कर वापस लौट आई, लेकिन पुष्टि रुचा ऊपर ऊपर आकाश में गई और अगर आगे गई तो वहां पे भगवान के गौलोक धाम में वह पहुंची। और गौलोक में जाकर उसने क्या देखा, सुंदर गिरिराज जी, वृंदावन, यमुना जी का तट है और यमुना जी के तट में सभी गोपियां यमुना जल की गागर भर रही हैं और ठाकुर वह गागर को उठा उठा कर गोपियों के सिर पर रख रहे हैं। ऐसे दर्शन वह पुष्टि रुचा ने किए, धन्य है प्रभु आपकी लीला। भगवान ने उस रुचा पुष्टि रुचा को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। पुष्टि रुचा कहती है प्रभु ये जो भाग्य, ये जो अवसर, ये जो गोपीजनों को मिला, ये अवसर मुझे प्राप्त हो ये मेरी इच्छा है। जहां ये चीज पुष्टि रुचा ने मांगी, भगवान नाराज हो गए, कहने लगे अरे अरे तूने ये क्या मांगा, तूने गोपीजनों का सौभाग्य मांगा। जो भाग्य गोपीजनों का है वो तो किसी और का नहीं है, इससे अच्छा तूने गोपीजनों की चरण धूल मांगी होती तो मैं अपने आप को भी तुझे सौंप देता, पर तूने गोपियों का सौभाग्य मांगा इसलिए तुझे अंतराय होगा। और उसे अंतराय हुआ, वही जो पुष्टि रुचाएं ब्रज में गोपीजन बन के प्रकट हुई, एक जन्म का अंतराय हुआ।
परब्रह्म जहां हर कोई पहुंच नहीं पाता। पुष्टि परंपरा में जो कृष्ण के साथ वैष्णव का जो संबंध होता है, जो वल्लभ ने करवाया, वह परब्रह्म कृष्ण के साथ, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नहीं। इसलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि भाई तुम्हारे घर में जो ठाकुर विराज रहे हैं वो कौन है? जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। अरे आपड़ा घर में जो बिराजे छे ने ई परब्रह्म स्वरूप ये श्री कृष्ण के बोले तेजोमय अक्षर ब्रह्म अक्षर अक्षर ब्रह्म नथी। जेम घर होय ने घर नो एक वेटिंग एरिया होय, ये वेटिंग एरिया एटले क्षर ब्रह्म। घणी वखत आपणे घर में कोई मळवा आवे लागे के आने थोड़ुक ज काम छे, अंदर बोलावा जेवो नथी तो बहारथी ज काम पटावी दईए, एटले वेटिंग एरिया एटले क्षर ब्रह्म। लागे के हा आने बोलावा जेवो छे तो ड्रॉइंग रूम लिविंग एरिया में बेसाड़िए, अक्षर ब्रह्म। पर लागे के नहीं आ तो मारो खास छे तो पछी एने बेडरूम में लई जईए, ई परब्रह्म एटले बोलो। बेडरूम सुधी कोई जई शके ना, कोई कोई अधिकारी जीव। तो आपने तो ये गोलोक सुधी प्रवेश मळ्यो छे वैष्णव, श्री वल्लभ नी कृपा छे, बहुत बड़ी कृपा है। समझो तो समझाए तो, नहीं तो पछी यंत्रवत सेवा थती होय ठीक छे चाले जाय छे, लेकिन ये घर में कयु स्वरूप बिराजे छे, स्वरूप नु ज्ञान वात निकली छे। तो कहीश के सेवा मां त्रण ज्ञान जरूरी छे, एक सेव्य स्वरूप ज्ञान, बीजू सेवा स्वरूप ज्ञान, અને ત્રીજું સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાન। જ્યારે આ ત્રણ જ્ઞાન થાય તો સેવામાં પૂર્ણ આનંદ આવે। એક સેવ્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન, તમારા ઘરમાં કોણ બિરાજે છે। બીજું સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાન, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય હું કોણ। અને ત્રીજું સેવા સ્વરૂપ જ્ઞાન। આ જ્ઞાન હોય તો એ આનંદ આવે, ખબર પડે કે ક્યાં આપણને પ્રવેશ આપ્યો છે। પણ પછી જ્ઞાન ન હોય, યંત્રવત સેવા થતી હોય તો ઠીક છે ચાલ્યું જાય છે। તો એ બ્રહ્મ वो सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन उसको सब देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी माया सब जगह फैली हुई है। रुतरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान की माया बड़ी जगह फैलायेली है, माया में छुपायेलो छे। माया नो मतलब मा ए निषेधात्मक छे, या ए हकारात्मक छे, एटले जे न होई देखाड़े एनु नाम माया। संसार में आपने लागे छे के आनंद छे, पण ए आनंद छे ज नहीं। न होई देखाड़े एनु नाम माया। माया नु घणी प्रकार थी वर्णन करवामां आव्युं छे। किमत्र हेयम कनक च कांतम, कंचन और कामिनी में फंसा हुआ व्यक्ति उसे माया में फंसे हुए जानो। मणिरत्नमाला ग्रंथ के अंतर्गत बड़े सुंदर प्रश्न किए गए। बद्धो ही कोवा, इस संसार में बंधन युक्त कौन है? तो के विषयानुरागी, जो विषयों से भरा हुआ है वह बंधन युक्त है। कावा विमुक्ति, विमुक्त कौन है? विषय विरक्ति, जिनों को विषयों के प्रति विरक्तता है वह विमुक्त है। कावास्ति घोरो नरक स्वदेह, विषयों से भरा हुआ ये शरीर ही नरक के समान है। तृष्णाश्रय स्वर्ग पदम किमस्ति, कोवा दरिद्रो, इस संसार में दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, विशाल तृष्णा। श्रीमांश्च को यस्य समसंतोषः, जिसके अंदर संतोष है वही सच्चा श्रीमंत है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो, Thank you.
ખબર નહીં માયામાં ક્યાં લાઈટ ઘડી ઘડી છુપાઈ જાય છે, ખબર નથી પડતી હું થાય છે. આજની યાત્રા બહુ લાંબી છે. को दीर्घ रोगो सबसे बड़ा रोग कौन सा, भाव एव साधो, भाव रोग यही सबसे बड़ा रोग है. तो माया में फंसा हुआ जीव माया के कारण वह प्रभु को सब जगह देख नहीं पाता. यथा महंती भूतानि भूतेश्चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्. हे ब्रह्मा, जे देखाय छे मां हूँ छू, आ बधु मारा मां छे, पण आ बधा मां मैं पाछळथी प्रवेश नथी कर्यो, हूँ तो पहलाथी ज हतो. अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, कार्य अने कारण रूपे हूँ सर्वत्र छु, तो पण कार्य अने कारण थी हूँ पर छु. कार्य एटले जे देखाय छे अने कारण एटले जेना द्वारा ई थयुं. जेम घी ने कार्य मानिए तो घी नु कारण शू, घी सेमाथी बन्युं, માખણ, તો માખણ એનું કાર્ય થયું. જે દેખાય છે એ કાર્ય, જેનાથી થયું એનું કારણ. માખણને કાર્ય માનીએ તો શેનાથી થયું કારણ? બોલો બોલો, દૂધથી કે નાઇરોબીમાં થતું હશે? અહીંયા અમારે તો પેલા અમે છાછ થાય એમાંથી માખણ કાઢીએ, ત્યાં એવું હશે ખબર નહીં. તો છાછ એ માખણ નું કારણ, છાછ ને કાર્ય માનો તો સેનાથી થયું? તો કે દહીં, દહીં કારણ થયું. દહીં સેમાંથી? તો કે દૂધ, તો દૂધ એનું કારણ. તો જે દેખાય છે એ કાર્ય અને જેના દ્વારા થયું એનું કારણ. જેમ માટીનો ઘડો એ કાર્ય સેનાથી બન્યું? તો કે માટી, તો માટી એ ઘડાનું કારણ. પણ જુઓ, કારણ બે પ્રકારના, એક નિમિત્ત કારણ અને બીજું ઉપાદાન કારણ. હવે ઘડો માટીનો તૈયાર થયો પણ એમને એમ થયો ના, કોઈ બનાવવા વાળું છે. કોણ? તો કે કુંભાર. તો માટી એ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ અને કુંભાર એ ઘડાનું નિમિત્ત કારણ. તો માટી એ ઘડાનું, એટલે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ચતુશ્લોકી ભાગવત દ્વારા ભગવાને
ब्रह्म जगत जीव माया आ वेदांत में चार विषयों आवे छे। एनु ज्ञान ब्रह्मा जी ने करावियो, एना पछी आगळ सुखदेव जी महाराजे श्रीमद भागवतना 10 प्रकारना लक्षणोनी चर्चा करी। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पूषणमुत्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। त्रीजा स्कंद थी 12मा स्कंद सुधी प्रभुनी 10 प्रकारनी लीलाओनु वर्णन कर्युं।